आटा दो पानी निराला पक्का ले क्या बहुत है अच्छा हावले रे फिर टाइम मंगा ले पानी 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 वो क्या दिख रहा नहीं क्या आके पार्सल कर देने क्या उन्हें गिलास मेहमान अरे आओ भाई जल्दी जल्दी आओ एक काम में देर नहीं करना उनका उनके आज यहाँ खरबखंड गांव जो तालुका मुखेड़ का एक गांव है यहाँ के दारुलूम के अहाते में हुसैनिया फैजान गरीब नवाज ये दारुलूम के अहाते में आज गरीब मुस्लिम लड़कियों की इज्तिमाई शादियों का एक नज्म किया गया है। एक छोटे से गांव में एक बड़ा काम, एक तारीखी काम, एक ऐतिहासिक काम। तो औलिया सेवा भावी संस्था के जिम्मेदारान और यहाँ की जामिया के जिम्मेदार भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो हम पूछते हैं कि छोटे से गांव में इतना बड़ा काम इन लोगों ने कैसे अंजाम दिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ये जानकर आपको बहुत खुशी होगी कि मुखेड़ के अंदर मुखेड़ के करीब खरबखंड गांव पे जो मदरसा फैजाने गरीब नवाज चलता है उसके जिम्मेदार जनाब मोहम्मद इसहाक भाई और उनके दोस्त अहबाब जो औलिया कमेटी से मुतालिक है इन लोगों ने मिलकर इतना बड़ा कारनामा अंजाम दिया है कि ये कारनामा लोगों के लिए लायक तकलीद भी है और दरस इबरत भी है कि लोग हजारों लाखों रुपया खर्च कर देते हैं यूं बर्बाद कर देते हैं और यही पैसा अगर दीन के काम में लग जाए मसरफ में लग जाए तो अल्लाह और उसके रसूल के यहाँ ये जो है खजाना जमा हो जाता है। आज कितने गरीब लोगों की दुआएं इनके साथ हैं कि इन्होंने इस सहरा के अंदर इतना बड़ा इंतजाम किया और बहुत सारी गरीब बच्चियों की शादियों के लिए इन्होंने इतना बड़ा पिंडाल सजाया और जहां इतने सारे हजारों की तादाद में लोग मौजूद हैं और जहां आपके सामने ये मदरसा हुसैनिया फैजाने गरीब नवाज जो जिसका फैज ऐसा हुआ और ये सब फैज जो है हजरत ख्वाजा गरीब नवाज शहनशाह हिंदुस्तान का है कि उनके करम नवाजियों से और उनके फैजान से जो है ये औलिया कमेटी के लोग जिम्मेदारान जो है मालामाल हैं और साथ ही जनाब मोहम्मद इसहाक भाई बोरवेल वाले ये नहायत ही खुश दिल और खुश मिजाज आदमी है जिन्होंने इतना बड़ा कारनामा अपने दोस्तों को लेकर अपने साथियों को लेकर और आप तमाम भाइयों को लेकर बिरादरान इस्लाम को सबको साथ में रखकर जो है इन्होंने ये कारनामा अंजाम दिया। ये बहुत अच्छा कारनामा है और इस तरह के कारनामे अगर हर गांव हर शहर और हर कस्बा हर देहात में अंजाम दिए जाएं तो इंशाअल्लाह तबारक व ताला गरीबों की भलाई से जो है अल्लाह तबारक व ताला की रहमतें हमारे माहौल हमारे समाज में आती रहेंगी और हम इसी तरीके से जो है अल्लाह तबारक व ताला के रहमतों में नहाते रहेंगे और अल्लाह की बरकतों से मालामाल होते रहेंगे। ये हमारी जो है बहुत बड़ी खुशनसीबी है कि हम लोग जो है इस तरह के प्रोग्राम को कामयाब करके और इस तरह के प्रोग्राम की के लिए कोशिश करके गरीबों के लिए जो है ये बहम इंतजाम पहुंचा रहे हैं। अल्लाह तबारक व ताला तमाम लोगों की मेहनतों को और तमाम लोगों की कोशिशों को कबूल फरमाए और इसी कबूलियत के सदक़े में मदरसा हुसैनिया फैजान गरीब नवाज को मालामाल फरमाए और साथ ही फैजान गरीब नवाज का फैज ऐसा जारी हो
कि फैजान गरीब नवाज से तमाम इलाके और अतराफ व जवानिब इल्म और नूर व निखत के दौलत से मालामाल हो जाएं और नूर व निखत से जो है हर जगह रोशनी फैल जाए। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। जो मदरसे के जो जिस जवाबदार जो आदमी है जो मदरसे के जो शादियों का जो देखभाल करते हैं न ईसाक करते बोर वाले न सैयद सरदार करते, हजरत ने जो बोले माफी चाहता हूँ मैं, जो हैदराबाद के जो हाजी ईसाक सेठ है वो करते हैं और बच्चों के घरे घर जाकर मैं खुद के सैयद सरदार जाके जमा करके बच्ची और बच्चों को ये शादियों का जमा करता है और ये खर्चा पानी जो देने वाले हैं हमारे हैदराबाद के ईसाक सेठ है, बाकी देने वाले कोई नहीं, अल्लाह का बंदा एक उतरा है, एक बंदा है वो हाजी ईसाक भाई देने वाला, इस उनको उम्र दराज दो और उनके कारोबार में तरीका दो, अल्लाह ने उनको लिए उनकी दौलत न्यामत अल्लाह ने उनको नवाजो बारे बार ये देने वाले हाजी ईसाक भाई है, मैं बारे बार बोलता हूँ बाकी कोई कमेटी वाले ने हाजी ईसाक भाई सैयद सरदार हाजी ईसाक भाई मुखेड़ वाले ये बाकी बस अल्लाह हाफिज। मेरे साथी है, मेरे कमेटी के लोग, मेरे गांव के लोग, खड़गांव के लोग, मुखेड़ के लोग मुझे इस बारे में ताउन भी करे मेहनत भी करे और मेरा साथ भी निभाए, इसके आगे अगर निभाते रहे तो इंशाल्लाह करते रहेंगे ऐसे शादी। आज कितने शादियाँ हैं? आज 8 शादियाँ हैं। अच्छा, कहाँ के? मैं बोलता हूँ ये खड़गांव के है। अच्छा, केरूर के है, कोलंबी के, पेटोड़स के, क्यूला और फूलेनगर के, और निजामबाद आटो नगर बहुत मार के है, केरूर सातारा का है, सातारा के है, ऐसे लोग हैं मुंबई। हाँ, जो भी नज़म रखा गया है और सरदार भाई ईसाक भाई जो भी हमारे 3-4 लोग कमेटी के हैं हैदराबाद के मेहमान हैं उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से हिस्सा लिया और इंशाल्लाह हर गांव में हर तालुके में गुजारिश है खास करके नौजवान बच्चे इसे इज्तिमाई शादियाँ करें और गरीब बच्चों का मसला हल करें, खास करके मैं यही गुजारिश करता हूँ मेरे खास करके महाराष्ट्र वाले। कहना चाहता हूँ कि आज मदरसा हुसैन फजाने गरीब नवाज की ओर से इज्तिमाई शादियाँ रखी गई भाई हाजी साहब भाई भाई से मैं यही गुजारिश करूँगा हमारे कमेटी वजह से यही इशारा दूंगा कि हम लोग गरीब आदमी है और इज्तिमाई शादियाँ कर हमारी गरीबी के लिए ये बहुत बड़ा कदम है, मैं इसे हर नौजवान और हर गांव के और शहर के हर नौजवान से मैं ये गुजारिश करूंगा कि जो भी हो इज्तिमाई में शादियाँ करें और अपनी गरीबी को दूर करें। हमारे मेम्बर साहब का अस्सलाम वालेकुम, मैं शेख महीनुद्दीन चांद साहब मुखेड़ तालुका मुखेड़ का नगर सेवक हूँ, वार्ड क्रमांक 1 में से वाला हूँ, राष्ट्रीय समाज पक्ष की तरफ से ये जो शादी जो खाने आ रही है ये इसकी तरफ से हम यहाँ पे आए वाले हैं, हमारे वार्ड में की एक से एक बबलू है उसको शादी है आज साहब को मुलाकात बहुत अच्छा सुभान भाई रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मैं नांदेड़ जिले के कम से कम जो है 5 तालुके के जो है मुखेड़ नायगांव कंधार और देगलूर इस तरह से जो है तालुके की कजायत के कारोबार अंजाम देता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो हमारे अली जनाब अलहाज इसहाक साहब अजंटा बोरवेल्स मुखेड़ इन्होंने ये जो इज्तिमाई शादियों का आज जो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो प्रोग्राम रखा है ये आज के दौर के लिए बहुत ही जो है हैरत अंगेज और बहुत ही जो है इबरत की बात है क्योंकि अक्सर देखा गया कि गरीब बच्चों गरीब माँ बाप के पास भी बच्चियाँ हसीन से हसीन बच्चियाँ रहती हैं मगर महज ये बात होती है कि उनके पास देने लेने के लिए जोड़े की रकम हुंडे की रकम ये नहीं होती है और लोग जो इसका जो शरीयत का गलत इस्तेमाल करके जो लोगों को गुमराह करते हैं उसके लिए एक इबरत की बात है कि हमें प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला वसल्लम के सुन्नत के मुताबिक हमें निकाह की महफिल सजाना चाहिए सब क्योंकि निकाह सुन्नत है जिसको तमाम जो इसके जो अरकान है तमाम जो सुन्नत के मुताबिक हों तो हमें जो है इसका मुकम्मल जो है सवाब मिलता है
इसलिए आज समाज के लिए जरूरी है कि जो भी जो बहनें जो हमारी बिन ब्याई बैठी हुई है घरों में, जो महज जिनके पास रुपया पैसा नहीं है, आज के इस इज्तमाई शादियों के जरिए हमें इस बात से इस बात का जो है पता चलता है कि अल्हम्दुलिल्लाह वो बच्चों किस तरीके से अगर इज्तमाई शादियां होती रहेंगी तो गरीब कोई भी बच्चियां ऐसी नहीं रहेंगी जिनके शादियां नहीं हो पाती हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन कदम है हमारे अलहाज इसहाक भाई का और मैं सरदार भाई का और मैं हमारे जो है न्यूज चैनल मुंसिब के तरफ से भी जो है मैं उनका भी शुक्रगुजार हूं कि वो मुखेल तालुके के खरब खंड गांव इस मुकाम में वो आकर के उन्होंने इस न्यूज को जो है आप तक जो है पहुंचा रहे हैं। हम तमाम जो है अराकीन कमेटी की जानिब से भी हम मुंसिब चैनल का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि छोटे से गांव ने पूरे महाराष्ट्र को बल्कि पूरे भारत को एक नया तरीका नया अंदाज दिखाया है। कैमरामैन मोहम्मद अब्दुल मन्नान के साथ मोहम्मद अल्ताफ मुंसिफ टीवी के लिए खरब खंड गांव तालुका मुखेड़ से। अरे ये बुराई हमारे अंदर तो मौजूद नहीं। आज ताना दिया जाता है कि अगर किसी के घर में लड़की पैदा हुई तो दोष औरत को दिया जाता है, किसी के घर में बच्ची पैदा हो तो ताना औरत को दिया जाता है। हालांकि कुरान कह रहा है औरत कौन है, ये तो बस वसाइल है, ये तो दुनिया में आने का जरिया है, लेकिन कुरान पर हमारा ईमान है। कुरान ये कहता है यहबुली मैं यशाऊ इनासा व यहबुली मैं यशाऊ ज़ुकूर। अल्लाह का फरमान है हम ही हैं जिसे लड़कियां अता करते हैं, हम ही हैं जिसे चाहे लड़के अता करते हैं। कुरान कह रहा है अल्लाह लड़कियां देने वाला है, कुरान कह रहा है अल्लाह लड़के देने वाला है, तो हम और आप कौन होते हैं रब की वजाहत के बाद को घर में आने वाली बहू पर उंगली उठाना, ये दुरुस्त नहीं है। रब की वजाहत के बाद घर में आने वाली किसी की लड़की को ताना देना, तुम मुसलमान हो तुम्हें जेबा नहीं देता। अगर तुम मुसलमान हो तो जिस बेटी को अल्लाह के रसूल ने रहमत बताया है तुम भी उसे रहमत समझो। आज भी हमारे मुआशरे से आज जिसे देखो, और अगर कोई ऐसा मामला हो तो मुझे बोल दीजिए, माइक छीनने की जरूरत नहीं है। कोई भी ऐसा मेहमानों का पुरस्कार करवा तीन फॉर्म आधा बाकी है, जैसे वो आ जाएंगे जितने भी वकील और गवाहान हजरात हैं मेरी उनसे गुजारिश है कि बराहे करम स्टेज पर जल्द अज जल्द तशरीफ लाए क्योंकि अभी मगरिब का वक्त करीब है तो काफी ताखीर हो चुकी है। तमाम वकील और गवाहान हजरात से मेरी गुजारिश है कि वो स्टेज पर तशरीफ लाए ताकि जल्द अज जल्द निकाह की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाए। काजू साहब बोल रहे हैं कि चलने दीजिए, और आप लोगों का चेहरा ये कह रहा है कि बस होने दीजिए। तो मौका है, अगर वक्त में गुंजाइश है इसीलिए मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं। तो हम और आप जब इन मामलात पर गौर करते हैं कि हम इस अजीम सुन्नत की अदायगी के मौके पर जब हम الذي فضل سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم العالمين جميعا وقامه يوم القيامة للمذنبين المتلوثين الخطائين الهالكين شفيعا فصلى الله تعالى عليه وسلم وبارك عليه وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق ارسله صلى الله تعالى عليه وسلم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز اس وقت مکھیڑ کے عامدار ایم ایل اے جناب تشار راٹھوڑ صاحب بھی موجود ہیں سر بتائیے آپ میں سب سے پہلے جو ہماری مکھیڑ کی اولیہ سیوا بھاوی سنستھا ہے اور اس کے چلانے والے ہمارے سہیوگی ہمارے متر ہے اسحاق بھائی ان کا سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرتا ہوں ان کی تعریف کرتا ہوں کہ انہوں نے مکھیڑ جیسے اتحاد میں انہوں نے ایک یہاں پہ ساموہک مسلمان بھائیوں کا ایک شادی کا یہاں پہ آیوجن کیا اور یہاں پہ غریب 8 پریواروں کی شادی انہوں نے اپنے مادھیم سے یہاں پہ لگا کے دینے کا کوشش کی ہے میں سب سے پہلے ان کی تعریف کرتا ہوں ان کے اس کام کی ان کی تعریف ان کو مبارکباد دیتا ہوں اور اس کام کے لیے جن جن لوگوں نے ان کو سہیوگ کیا ہے جیسے کہ حیدرآباد کے ان کے کچھ ریلیٹیو بھائیوں نے ان کو اس کے لیے خوشیوں سے مدد کی ہے تو ان کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں ایسے شادیاں ایسے لان چھوٹے چھوٹے گاؤں میں ہوتی رہنی چاہیے کیونکہ آج ہم کو پتا ہے کہ ہمارے دیہات میں آج بارش بہت کم ہو رہی ہے کام کی کمی ہے اور مسلمان جو ہے یہ بہت غریب جماعت ہے یہاں پہ اور ایسے کاریہ کا ہوتے رہیں گے تو ان کو سہیوگ ہوگا شادیوں کا خرچہ آج کل بڑھ چکا ہے تو ایسی شادی اگر ہوتی رہے گی تو ایک اچھا قدم ہے تو میں ان کا میری طرف سے میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ تعریف کرتا ہوں.